International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, Opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. And Parshad ke ghar ke paas, jo sahi sadak bani hui thi, usko to wo tod kar ke nahi bana raha hai. Lekin hamare yahan 4 baras se jo sadak bani hui thi, usko bhi aane aa kar ke tod ke chale jaate hain, lekin banane ka kaam aaj tak koi bhi nahi karta hai. 6 महीने बनी हुई उसको वापस खोदा जा रहा है, नहीं टूट रही तो सप्पल से लगा के हेमर मशीन लगा के उसको तोड़ा जा रहा है, फिर से उसको बनाया जा रहा है, मगर जो रोड पार्षद के त्रिपाठी के खिलाफ क्षेत्रवासियों में रोष, 6 महीने पहले बनी सड़क को खुदवाकर फिर नई सड़क की तैयारी। अजमेर में वार्ड नंबर 53 पार्षद के त्रिपाठी के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने रोष व्यक्त किया। क्षेत्रीय नागरिक दरगाह के खादिम सैयद अब्दुल हादी चिश्ती ने कहा है कि पूरे वार्ड में काफ़ी सड़कें, नालियां खस्ता हाल हालत में पड़ी हैं। दरगाह थाने के पास में 2 सालों से सड़क खोदी हुई है जिसको अभी तक ठीक नहीं करवाया गया है। वहीं इमली मोहल्ले की गली और हनुमान जी के मंदिर के पास रोड के बीच में खंभे गाड़ दिए गए हैं जिससे आने वाले जायरीन और क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रवासी हासम अली पवार ने बताया कि वार्ड नंबर 53 के पार्षद के त्रिपाठी ने खुद के घर के सामने की सारी व्यवस्था सही कर रखी है लेकिन बाकी क्षेत्र को नज़रअंदाज कर रखा है। हैरत की बात तो यह है कि कुछ महीने पहले ही बनी हुई सड़क को पार्षद साहब खुदवा कर दोबारा बनवा रहे हैं। भाई साहब ये जो बनी हुई रोड को तोड़ रहे हैं, ये कितने महीने पहले बनी थी रोड अंदाजन? हैं 6 महीने पहले बनी थी, इसको तोड़ा क्यों जा रहा है आपस इलेक्शन के लिए? बनी बुनी रोड तोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया काम यार। अच्छा अच्छा तोड़ो फाड़ो बात यार, बीच में हाँ बताइए। हम लोग मोती कटला रहवासी हैं, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि यहाँ की सड़कें देखने के लिए भी कोई नहीं आता है, यहाँ का माहौल देखने के लिए भी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आता है। हमारी विनती है कि फूल गली मोती कटला इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये दरबार शरीफ दरगाह शरीफ के कारण जो है फेमस इलाका है और यहाँ आने वाले जायरीन हमेशा आते रहते हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों को भी तकलीफ होती है। आज क्या तकलीफ है? आज ये तकलीफ है कि नीचे इमली मोहल्ला और पार्षद के घर के पास जो सही सड़क बनी हुई थी उसको तो वो तोड़ करके नहीं बना रहा है, लेकिन हमारे यहाँ 4 बरस से जो सड़क बनी हुई थी उसको भी आने आ करके तोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बनाने का काम आज तक कोई भी नहीं करता है। लिहाजा हमारा अनुरोध है, विनती है कि यहाँ पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। ये वार्ड भी मोती कटला क्षेत्र का है और मोती कटला कौन पार्षद है? यहाँ के त्रिपाठी जो है यहाँ के हैं पार्षद, लेकिन उनको भी कई बार बोलने के बाद में वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। और जहाँ तक ये जो रोड है यहाँ का मोती कटला का, खास करके मोती कटला, यहाँ पर हर तरह की तकलीफ आने जाने वाले लोगों को भी रहती है, क्षेत्रवासियों को भी रहती है। अभी नया काम इन्होंने ये किया है कि इमली मोहल्ले के बाहर जो है पाइप लगा दिए हैं ताकि यहाँ ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं आ सके। तो इसका कारण क्या है? ये पक्षपात सीधा सीधा बताता है कि ये पक्षपात है, क्योंकि यहाँ मोती कटला में रहने वाले लोग जो हैं उनको भी बीमारी हारगी के अंदर जाना पड़ता है, तो वो यहाँ से क्या धानबंडी पैदल जाएंगे या नया बाज़ार पैदल जाएंगे जब उनको ऑटो मिलेगा? इसका कुछ आपको जो है ज़रूरी है कि आपको कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। मोती कटला के दूसरे क्षेत्र में, वार्ड नंबर 53 के दूसरे क्षेत्रों में काम किया जाता है, उसी तरीके से मोती कटला को अलग नहीं छोड़ करके उसको भी इसी तरीके से काम करें जैसे क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में काम करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल हाद। हाँ बताइए, क्या हुआ? होना तो कुछ नहीं है सर, जो उतार मोती कटला, पूरा मोती कटला फुल गली जो कि रोड सारे टूटी हुई है, ये देखो सर, ये भी रोड सारे टूटी हुई है, इसका कोई सुधार नहीं हो रहा है, कोई इसका काम नहीं हो रहा, जबकि 6 महीना पहले वहाँ पर रोड बनी हुई है। कहाँ पर? ये अपना क्या बोलते हैं, जो बालाजी के मंदिर है और पूरा वो इमली मोहल्ले में वो रोड 6 महीने बनी हुई, उसको वापस खोदा जा रहा है, नहीं टूट रही तो सप्पल से लगा के हेमर मशीन लगा के उसको तोड़ा जा रहा है, फिर से उसको बनाया जा रहा है, मगर जो रोड टूटी है उसको कोई बनाने में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कहाँ की रोड टूटी है?
ये टूटी सर दिख ही नहीं आपको, देखिए कौन सा क्षेत्र है ये सर, ये क्षेत्र कहलाता है मोती कटला, और इसके आगे आप लिख लोगे तो ये मराबा गेस्ट हाउस नहीं सोचोगे तो फूल गली है ना, उतार मोती कटला फूल गली टोटल नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद आसम अली।